नॉनसेंस कार्ड फुल। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मैंने पहले बोला था कार्ड था ही होना चाहिए, बीच में तुमने यार दिक्कत कर दी सारी यार। सनसनीखेज वीडियो बनाना चाहते हो? सनसनीखेज वीडियो बनाना चाहते हो? इसको ये वीडियो स्टार्टिंग में लगा देना, ये सब इनसाइड एक वाई हुए हाइपर नॉनसेंस। बाकी जूस खत्म नहीं हो रहा है, डेढ़ साल हो गए बताओ। इतना सा जूस था उसके अंदर, इतना जूस पीता है तुझे? पीएफ टैक्का टूटर बना रहा हूँ मैं, देखना। मैंने देखा भाई जीडीपी गिर रही है, मैं मंगा ली तो बेटी। तरुण जी पूछते हैं कि एंड्रॉइड ऐप बताइए एडिटिंग के लिए। अब फोटो एडिटिंग है वीडियो एडिटिंग है वो पहले ये नहीं पता, और एंड्रॉइड की ऐप पूछ रहा है। अरे हम सारी यार लिंक भेज डाल, हम लोग आईफोन यूज़ करते हैं भाई, वी ओनली यूज़ आईफोन्स, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट एंड्रॉइड। यू नो एंड्रॉइड इज सो चीप, सो थर्ड क्लास सब्जेक्ट, ओनली आईफोन्स, एवरी डे वी यूज़ आईफोन, नेवर आर इंग्लिश गो रॉन्ग, वी यूज़ ओनली आईफोन। आईफोन आई यूज 6S सेकेंड हैंड, 6S सेकेंड हैंड फ्रॉम चोर मार्केट, ऑल्सो नोन एज MI रियलमी, माई आईफोन नेम रियलमी। ऐप्स के बारे में कोई जानकारी नहीं भाई, फोन के ऐप्स के बारे में कोई जानकारी नहीं। एनी जॉब वैकेंसीज, आई हैव कम्प्लीटेड माई एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया डिग्री। ये देखिए बैंगर निहाल जी पूछ रहे हैं कि कोई जॉब की हमारे पास वैकेंसीज हैं क्या। उन्होंने जो है एनिमेशन और मल्टीमीडिया की डिग्री पूरी कर ली है। वर्क भेज दीजिए अपना पोर्टफोलियो, अपनी एक शोरी भेज दीजिए, मैं वो देख के बता दूंगा आपको कि आपको कितने तक की जॉब मेरी तरफ से मिले। नहीं, मेरे को लगा इमान सर बोलने वाले हैं कि आप अपनी शोरी भेज दीजिए, उसको देख के मैं बताऊंगा आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए हमारे यहाँ पे। ऐसा वैसे होता है लेकिन उसे बताता नहीं, बुरा लग जाए। मजाक कर रहे हैं आप, इनको शोल भेज दीजिए, इनका नंबर जो है वो आ जाएगा यहाँ पर, ऑफिशियल नंबर ऑफ साइड में पिक्चर्स। आगे चलते हैं, विकास जी पूछ रहे हैं फिल्म मेकिंग कोर्स ऑनलाइन कब आएगा। कब आएगा फिल्म मेकिंग कोर्स ऑनलाइन, क्या चक्कर है? जब रिकॉर्ड हो। यार हर आदमी मेरी तरफ उंगली कर दे रहा है, जिसको देखो टूटल्स बना देंगे ऑनलाइन। व्हाट इज दिस, प्रेशर मत कीजिए मुझे प्लीज़ आप, मैं कर रहा हूँ भाई, मैं कर रहा हूँ अभी ऑनलाइन के लिए कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे ज़्यादा नहीं, क्या करूँ, टीम यहाँ बैठी है कैमरा वाली, सारे DOP वगैरह डायरेक्टर यहीं बैठे हैं मेरे। मैं चाहता हूँ मैं शूट करूँ चीज़ें, लेकिन ये क्वेश्चन आ, सारे चिप्स खिला रहे हैं बैठे हैं यहाँ हमको। फिल्म मेकिंग कोर्स ऑनलाइन हो कैसे सकता है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। देखो अब ये सब कुछ बहुत, फिर कैमरा ही मतलब भाई तुम फोन पे कहना भाई रिकॉर्ड करिए मेरी वीडियो वाली, मैं डायरेक्टर हूँ उसको वही एडिट कर दियो और ये कर दियो, यहीं बैठे बैठे काम। ऐसा कैसे यार, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ फिल्म मेकिंग कोर्स ऑनलाइन नहीं हो सकता, ये लोग जानते ही नहीं है, नहीं तो ऐसा सवाल पूछने का मतलब ही नहीं बनता है। जो फिल्म मेकिंग कोर्स ऑनलाइन होगा अभी, उसमें भी सिर्फ थ्योरी और उसके साथ में सिर्फ सॉफ्टवेयर मेनली, वो समझ आएंगे आपको ऑनलाइन। प्रैक्टिकल कैसे कर पाओगे? सिनेमेटोग्राफी क्लासेस नहीं पाएंगे, प्रैक्टिकल आर्ट डायरेक्शन की भी नहीं हो सकती, प्रोडक्शन की भी नहीं हो सकती, डायरेक्शन की भी नहीं हो सकती बड़े तरीके से, मतलब क्लासेस भी हो जाएंगी लेकिन वो आपका लुधियाना में भी है क्या? इसने कहा देख लिया लुधियाना, कोई बोर्ड देख के आएगा भाई? लगा तो नहीं, लुधियाना में नहीं है, पंचकुला में। और हम वहीं बैठे हैं, इनसाइड इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म मेकिंग, सेक्टर 21 पंचकुला। बेस्ट लैपटॉप फॉर एडिटिंग, लकी पीके और मिस्टर गौरव। ये यार अभी बंदा यहाँ से गया है फिर लैपटॉप के बारे में पूछने लग गया, अभी VFS के बारे में पूछ रहा था। देखिए एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सवाल अब आने वाला है, सभी एडिटर सभी VFS आर्टिस्ट का सवाल है, सब दिल थाम कर एक सवाल सुनिए और इसका जवाब भी सुनिए कि क्या जवाब मिलने वाला है यहाँ से। तो द रियल ललित पूछते हैं, वीडियो अच्छी एडिट करने के बाद भी क्लाइंट चेंजेस क्यों करवाते हैं, बताइए सवाल का जवाब। बहुत ज़्यादा बोल रहा है, क्या होता है कि क्लाइंट खुद कंफ्यूज होता है, वो पहले देख लेते हैं वीडियो उसे अच्छी लगती है, तो सोचता है कि यार क्या प्रोसेस है और बेहतर करवा लूँ, उसे लगता है कि मेरे को अच्छी कैसे लग सकती है, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, मेरे को वीडियो अच्छी क्यों लग रही है, तो उसको खुद पर शक होता है कि कहीं मतलब कोई मेरे केमिकल लोचा तो नहीं कि मेरे को वीडियो गलती से अच्छी लग रही है, फिर वो सोचता है कि नहीं इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, तो इसमें कुछ ठीक करवा लेता हूँ, तो वो ठीक जैसे करवा ले ठीक, ठीक है वो था पहला चेंज, फिर सोचता है कि यार मैं किसी और को दिखा भी लेता हूँ, फिर उसने किसी और को दिखा दी, फिर उसने एक और को दिखा दी, और वो दोनों कहा यार ये इसमें ये दिक्कत लगती है, फिर वो वहाँ से एक और चेंजेस आएंगे, फिर उन तीनों ने देखी, फिर उन तीनों ने मिलकर एक और को पकड़ा भाई तू भी देख, फिर उसने भी अपने एक राय दी,
मतलब ये इतनी राय जब मिलती हैं तो भाई चेंजेस बहुत होते हैं, और मैं खुद परेशान हूँ उससे। और उसके बाद एंड में क्लाइंट बोलता है पहले वाले ही बहुत बढ़िया थे, वो जो सबसे पहले वो ही भेज दो दोबारा। जबकि उन्हें भेज रखी है, क्या डिलीट कर दिया। सो दोस्तों, क्लाइंट चेंजेस इसीलिए करवाता है क्योंकि शायद उसे क्लियर नहीं होता कि उसे क्या चाहिए। अब रमेश नाथ जी पूछ रहे हैं कि VFX के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो आप? दो तीन हैं, आर्टिफैक्ट्स है, ब्लेंडर है, और कई बार माया में मॉडल बना लेते हैं। एलिमेंट 3D भी यूज़ कर लेते हैं, पार्टिकल कभी कभी यूज़ कर लेते हैं, और एडोब कुछ यूज़ कर लेते हैं कभी कभी ब्लेंडर के, पर ज़्यादा नहीं फिर यूज़ करते। फिर जैसे मोका प्रो हो गया कभी कभी, ज़्यादा फिर हम उसके अलावा जो है ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं। फिरदोश खान जी पूछते हैं कि आफ्टर कोर्स एडिटिंग व्हाट अबाउट अर्निंग ऑफ प्लेसमेंट्स? ये कैसे सवाल? अर्निंग ऑफ प्लेसमेंट्स क्या होता है भाई? मैं दोबारा पढ़ाना है। वो बोल रहा है कि आफ्टर कोर्स एंडिंग्स व्हाट अबाउट अर्निंग्स ऑफ प्लेसमेंट्स, और हर चीज के आगे ऐसे लगा रहा है, आफ्टर कोर्स एंडिंग्स व्हाट अबाउट अर्निंग्स ऑफ प्लेसमेंट्स। कोर्स के बाद प्लेसमेंट कैसे मिलेगा? मुझे जो मैं समझ में वही कर, कोर्स खत्म होने के बाद हम प्लेसमेंट कैसे खरीद सकते हैं? व्हाट अबाउट अर्निंग ऑफ प्लेसमेंट्स? उसके वर्ड्स में क्यों जा रहे हैं? उसके ऑलरेडी ऐसे हो गया। अच्छा, तुम खुद करो तो वो, और हमने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया तो है। देखिए, आपको किस कंपनी में जाना है, क्या किस प्लेसमेंट पे जाना है, वो उसके रिगार्डिंग तो यहाँ पे इनसाइड इंस्टीट्यूट में, तो हम तो आपको कुछ नहीं, बस अच्छे से काम करो, देन उसके बाद अपना डिसाइड कर लो कि आपको किस तरफ जाना है। अगर आपको एडिटिंग की तरफ जाना है, वीडियो एडिटिंग जाना है, कौन सी वीडियो एडिटिंग, फिर वो भी आगे आ जाती है कमर्शियल, म्यूजिक वीडियो, और भी बहुत सारी हैं, फिल्म मेकिंग है ना, कौन से वाले पे जाना है। देखो दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे काफ़ी शूट से बोलते हैं कि कोर्स के बाद 100% प्लेसमेंट गारंटीड, आगे गारंटीड भी लिखते हैं, तो गारंटी है, उसकी वारंटी नहीं है। लेकिन बात समझ रहे हैं, गारंटी और वारंटी में एक फ़र्क होता है। गारंटी का मतलब होता है कि पक्का, और वारंटी का मतलब होता है कि पक्का नहीं है। तो ये जो खेल खेला जा रहा है ना तुम्हारे साथ, इस खेल से थोड़ा बचो, समझ रहे हो? और बच्चों इस खेल से 100% प्लेसमेंट कोई गारंटी नहीं, हम कोई गारंटी नहीं लेते। अगर आप अच्छा सीखेंगे, बढ़िया स्किल अटेन करेंगे, तो आपको पक्का काम मिलेगा, काम भागा भागा तुम्हारी तरफ आएगा। और अगर नहीं करेंगे तो तुम्हारा भगवान भी मालिक नहीं है फिर भाई, समझ रहे हो? शिवम रायकवार पूछ रहे हैं, प्रीमियर प्रो CC 2022 में क्लिप इम्पोर्ट करने के बाद डार्क दिखती है, इसका जवाब है कि प्रीमियर प्रो क्रैक वर्जन चलाते हैं, सही कहा कि नहीं कहा? इसमें एक और भी है इशू, ग्राफिक कार्ड कई बार सपोर्ट नहीं करता, और हैवी फाइल होगी तो भी नहीं, और या तो अगर आईफोन की क्लिप हो तो भी क्रैक में। मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि मैं ओरिजिनल सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, आई बॉट द पैक ऑफ अडोबी, मुझे इन चीज़ों का बिल्कुल नहीं मालूम। नेक्स्ट, डेड क्रिएशन पूछ रहा है, बिल्कुल डेड क्रिएशन है, बिल्कुल क्रिएशन डेड हो गया कि डेड, मुझे नहीं पता, डेड है। लेकिन डेड क्रिएशन पूछते हैं, कैन आई गेट फ्रीलांस वर्क फ्रॉम यू? हमसे फ्रीलांस वर्क मांग रहा है? अभी तो नहीं, कुछ टाइम तक, बाद में अपना वर्क भेजो फिर तभी हम कुछ कर पाएंगे यार, ऐसे हम कैसे बता देंगे तुम्हें तो फ्रीलांस क्या दे देंगे हम आपको ट्यूटोरियल्स दे रहे हैं फ्रीलांस में, वो एडिट करके भेज देना यार। मैं तो ये बोलता हूँ कि हमारे ट्यूटोरियल्स देखकर ही कुछ एडिट करके भेज दो पहले, उतना तो करें पहले, हमारा ट्यूटोरियल तो बाद में एडिट करेंगे, जब हम ट्यूटोरियल बना रहे हैं वो देखकर वो एडिट करके भेजो, फिर देखेंगे कितना काम बनाया। करो इंस्टाग्राम पे टैग किया करो, मैं वो आगे आपको भी शेयर करा करेंगे, कुछ करते ही नहीं हो। कुछ बच्चे करते हैं, कुछ हैं फिर वो ये सवाल नहीं पूछते, लेकिन बहुत कम है, उनको करना चाहिए यार, हमें तो भी पता लगे कोई काम कर रहा है, आगे सवाल पूछेंगे, सिर्फ काम नहीं करेंगे। ये ट्यूटोरियल इतने हैं, कुछ तो करो। शिवम नेशन पूछते हैं, एनी लेंस फॉर अ म्यूजिक वीडियो ? जिसमें बंदा फुल आए, वाइड शॉट हो पर बैकग्राउंड ब्लर हो, खर्चा करने की बात कर रहे हैं। बजट पे डिपेंड करता भाई, 18 ML है, 24 ML वाइड पूरा आ जाएगा, 15 ML भी वाइड आ जाएगा, उसका अपर्चर कितना 1.8 है, 1.6, 1.2 है, 1.2 एक तो वन भी आता है, एक कोई चाइनीज लेंस है तो 1.2 अपर्चर का आप लेंस ले लीजिए, 1.5 लाख रुपये तैयार रखिए, 1.5-2 लाख रुपये, और 1.2 अपर्चर आप लेंस खरीदिए, और वाइड एंगल और पीछे ब्लर ही ब्लर। लेकिन वाइड एंगल फिर ब्लर कहाँ चाह रहा, पीछे वाइड एंगल में पहाड़ी शूट करना चाह रहा था, लेकिन पहाड़ी ब्लर आ गई, समझ रहे हो? तो ठीक है, मतलब वन अपर्चर कम होना चाहिए लेंस का, कहने मतलब। कॉस्ट्यूम पूछते हैं, पहले तो नाम समझने में बड़ी दिक्कत, साईफाई नाम लिखा है और साईफाई क्वेश्चन है भाई का,
पूछ रहे हैं कि साईफाई शॉर्ट फिल्म लाइक एजेंट कब आएगी? ओह शिट, एजेंट 2? ओह शिट, कमाल। देखो एजेंट जैसे पूछ रहा है, एजेंट में ऐसा कुछ नहीं था, दिस इज कॉमेडी शॉर्ट फिल्म। वो मेरे ख्याल में ड्रामेटिक और साईफाई और ऐसी शॉर्ट फिल्म पूछ रहा है, वो बहुत जल्द आएगी, लेकिन हमें उसके लिए स्पॉन्सर्स की जरूरत है। तो हम अपने फैन से एक जो नेक्स्ट हम बढ़िया साईफाई एक ड्रामेटिक एक्सट्रीम लेवल शॉर्ट फिल्म जो बनाएंगे वो अपने फैंस से पैसे लेकर बनाएंगे। हमारे फैंस उसके लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे बहुत सारे लोग मिलकर, कोई 500 कोई 1000, जैसे छबील में पैसे नहीं देते 500, 1000, 250, उस तरीके से जो है पैसे जुटा करके और एक बहुत बड़ी शॉर्ट फिल्म बनाई जाएगी और वो आपकी शॉर्ट फिल्म होगी, आप सबकी शॉर्ट फिल्म होगी और वो हम बनाकर आपको समर्पित कर देंगे। लव यू यार, इतना इमोशनल बहुत है, देंगे पैसे अभी। यस, लकी परीक पूछते हैं मुझे आपके साथ काम करना है। ये तो बता रहे हैं मुझे आपके साथ काम करना है, कर लो भाई साथ बैठ जाना। ये अच्छा होता तो इनकी जो टाइमिंग्स रहती हैं साथ काम करने की चीज नहीं है। रोमन दीवाल पूछ रहे हैं कि मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता, फिल्म मेकिंग करना चाहता हूँ, इज दिस राइट डिसीजन? आप बाद में बताना, आप मेरी कहानी बता देना, आप बताइए पहले क्या उनका ये राइट डिसीजन है कि वो फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते, क्या उनको इंजीनियरिंग करनी चाहिए? जब आपने सोच ही लिया है कि आपको फिल्म मेकिंग करना चाहिए तो वो करना चाहिए, आपके माइंड में जैसे ये थॉट प्रोसेस आ चुका है कि मुझे ये नहीं करना है तो उसका मतलब आपने सोच लिया कि नहीं करना है, तो उसको करके अपना टाइम वेस्ट मत करो, अभी कर लोगे फायदे में रहोगे फिल्म मेकिंग, नहीं तो बाद में जबरदस्ती करनी पड़ेगी। ड्रॉप आउट्स बैठे यार, हर आदमियों पे लानत बोल दे रहा है यार, ड्रॉपआउट। अच्छा खुद के लिए बोल रहे हो, फिर ठीक है, शी इज आल्सो ड्रॉपआउट। कहां है ड्रॉपआउट? मास्टर्स डिग्री लिए बैठे हैं हमें वाले, 12वीं पास बंदे दोनों कर रखी है तुमने जरूर, मैंने भी बीटेक कर रखी है भाई, मैं भी बीटेक कर रखी है, मैं नहीं, नो ब्रो, ऐसे थोड़ी मालिक बने बैठे हैं, बिजनेस कर रखा था अभी तो बिजनेस चल रहा है। हाँ जी देखिए आप बताइए, बीटेक करना मतलब जैसे आपने, जब मैं बीटेक छोड़ रहा था तो भाई ने, मैंने पूछा था हिमांशु, मैंने बोला यार भाई मैं बीटेक छोड़ने सोच रहा हूँ, तो इन्होंने मुझे मना किया था, तो मैं तब छोटा था। आप तो बड़ा हो गया, तो मेरा दिमाग नहीं था, मैं बच्चा दिमाग था। ऐसा था कि जो घर वाले कहते हैं वो सही लगता था, कि कई बार क्योंकि ऐसा था कई बार घर वाले भी गलत हो सकते हैं, मैं नहीं लगता कि वो सही होंगे हमेशा, तो घर वाले वैसे कंसर्न होते हैं कि मतलब यार तुम लाइफ में कुछ अच्छा कर लो, बिकॉज वी लिव इन लाइक दिस काइंड ऑफ सोसाइटी जहाँ पे कि यार जॉब अपॉर्चुनिटीज तभी क्रिएट होगी जब हम करेंगे, क्योंकि फॉरेन कंट्री वाला सीन ही 18 साल में बाहर निकाल दिया, ठीक है, माँ बाप बेचारे अभी भी पाल पोस के बड़े कर रहे हैं, मेरे को लगता है मैं अभी अपने घर पर ही रह रही हूँ, तो उनको रहता है कि कुछ कर ले यार अच्छे से कर ले, है ना, तो अब उनको यही दिखता है जो कॉमन चल रहा है वो इंजीनियरिंग, अगर ऐसी कॉमन हो जाए फिल्म मेकिंग तो वो बोलेंगे फिल्म मेकिंग ही करो। सही बात है, कॉमन बना देंगे भाई फिल्म मेकिंग, गली का बच्चा फिल्म मेकिंग करा करेगा, फिल्म ही फिल्म आ रही है इधर उधर, समझ रही, ठीक है, तो बीटेक ड्रॉप कर दे, मतलब जज्बा भर दे रहे हैं, देखिए मोटिवेट कर रहे हैं, कहीं फिल्म मेकिंग करने निकल मत जाना वीडियो देख के सीधे, इंजीनियरिंग में। शर्नी ब्रार जी का, पोस्टर डिज़ाइन का कोई कोर्स? क्वेश्चन मार्क, नहीं अभी हमारे पास ऐसा कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है जिसमें पोस्टर डिजाइन सिखाई जाती हो। नेक्स्ट हमारे पास अभी शर्मा बोल रहे हैं लॉर्ड्स ऑफ लव भाई, सलमान भाई के लिए बहुत सारे प्यार भेज रहे हैं, लॉर्ड्स ऑफ लव भाई भेज रहे हैं। ऋषभ दीक्षित बोल रहे हैं आपके साथ काम करना ड्रीम है, सपने ले रहा है भाई, रियलिटी में कन्वर्ट करो, आ जाओ। वही टाइमिंग टाइम तो लगे टाइम मतलब कुछ यार ऐसा कुछ करके आओगे और हमें भी आपके साथ काम कर रहे हैं, जो जो भी अपना ऐसा कुछ करो कि ये बोले कि अरे इसके साथ अपने को काम करना है, लेवल बहुत अच्छी बात बोली आपने, मुझे पसंद आई बात। सो कुछ और सवाल आए हैं, एक जैसे कि आया है सवाल कि YouTube पर वीडियो कब अपलोड करोगे लाइट रूम से एडिटिंग करने की? इस वीडियो पर जैसे ही 5000 लाइक्स आएंगे लाइट रूम का जो ट्यूटोरियल है वो आपके सराखों पर सर आपके कदमों में बिछा दें। When can I join the classes? अभी ऊपर चल रही क्लास, आ जा भाई। Right now. 47 कीरत वो बोल रहे हैं कि डायरेक्टर कुड बी अ VFX आर्टिस्ट टू क्वेश्चन मार्क, वन कैन मास्टर ओनली वन स्किल क्वेश्चन मार्क। वो बोल रहे हैं जैसे डायरेक्टर जो होता है वो भी VFX आर्टिस्ट बन सकता है क्या? बन सकता है लेकिन टाइम की बात है,
ऐसे नहीं हो सकता कि आप एक ही साल में वीएफएक्स डायरेक्टर और डायरेक्टर सब कुछ बन जाएं। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप 6 साल में ही बन जाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1000 साल, कुछ भी हो सकता है। आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी पर है और आपके दिमाग पर है कितना टाइम आप उस पर देते हैं। कई लोग जो वही चीज़ 3-6 महीने में सीख जाते हैं, कई लोग वो 6 साल में सीखते हैं। लेकिन एक टाइम पर आप एक चीज़ अगर पहले परस्यू करते हैं, उसको अच्छे से सीख लेते हैं, फिर आप नेक्स्ट पे शिफ्ट कर जाइए। जैसे हम कोर्स में भी कराते हैं, पहले एक चीज़ चल रही है, एक सब्जेक्ट चल रहा है, फिर अगला फिर अगला फिर अगला। और जो काफ़ी बच्चों को क्या होता है कि वो सब कुछ सीखना चाहते हैं और उसके बाद कुछ बनना चाहते हैं, तो एक एक करके पहले सब चीज़ें रिटर्न ट्राई कर लो, जो आपको जिसमें बेस्ट लगे कि ये मेरा काम सबसे इसमें अच्छा बन रहा है, उसको फिर आप और डिटेल में सीखो एडवांस लेवल। कोई बहुत बदतमीजी से बोल रहे हैं, आकाशदीप सिंह मुझे बोल रहे हैं लव यू सर। बहुत बदतमीजी से आपको लव यू सर बोल रहे हैं, आपको नहीं बोला लव यू मैम होता, नहीं सिर्फ सर के लिए लव यू टू, लव यू टू बोल दो, लव यू टू आधी जोड़ लिए करा भाई, ठीक है तुम अपने घर अपने घर। नेक्स्ट एक विष्णु तिवारो तिवारी है कि क्या है, विष्णु तिवारो लिखा हुआ है। विष्णु जी पूछते हैं, पूछते नहीं है बस बोलते हैं एलिमेंट 3D, जवाब दो एलिमेंट 3D। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि सर VFX ते वीडियो एडिटिंग दी फी किन्नी होंदी है, ये सब तपेद थोनू VFX ते एडिटिंग दी फी पूछी जाने मुंडा कहंदा भी किन्नी फी है साडी, तो मैं क्या भी पोते मेरी गल होने दो, तैनू सीधी जी गल है भाई तैनू ए पता करन वास्ते तैनू ये लिंक दिता हुआ डिस्क्रिप्शन च, उत्थे जाके तुसी सानू कॉन्टैक्ट करो, ते कॉन्टैक्ट करन ते बाद असी थोनू सारियां जिहड़ियां चीज़ां ने जिहड़ा सिलेबस ने जिहड़ा फी ने ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਐਕਟਿੰਗ? ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹਮੇ ਇਹ ਆਪਕੇ ਸਵਾਲੋ ਜਵਾਬ ਦੇਕਰ। ਆਪਕੋ ਕੈਸਾ ਲਗਾ ਸਵਾਲੋ ਜਵਾਬ ਦੇਕਰ? ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ। ਕੁਛ ਸਵਾਲ ਅਟਪਟੇ ਥੇ, ਕੁਛ ਚਟਪਟੇ ਥੇ, ਇਹ ਚਿਪਸ ਬੜੇ ਚਟਪਟੇ ਥੇ, ਅਟਪਟੇ ਥੇ, ਖੁਦ ਬਣਾ ਰਹਾ ਉਨਕੋ ਮੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਅਟਪਟੇ, ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਉਨਕੋ ਘੁਮਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਅਟਪਟੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰ। कैसे लगे आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं कैसे लगे क्वेश्चंस और हमारे आंसर्स। और ऐसी वीडियोज अगर चाहते हैं तो आप भी सवाल पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर जाकर, उसके लिए हम जैसे वीडियो रिलीज होगी उसके बाद हम रेगुलर 2-3 दिन तक क्वेश्चंस की तैयारी कर देंगे, अगली वीडियो उसके बाद हम बना देंगे। और वीडियो पर क्या कीजिए, लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेहतरीन वीडियोज़ के लिए बहुत जल्द और ख़तरनाक वीडियोज़ आ रही हैं। इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, हमसे मिलना चाहते हैं मुश्किल होगा, पर ये क्या है मैं कह रहा हूँ नहीं हो पाएगा अभी नहीं, पता नहीं पैसे जैसा कुछ लग रहा है। चलिए जो भी है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। एंटल दें, दिस इज इनसाइड KHE, HD इनसाइड, इनसाइड के वाई, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। रिलैक्स कहाँ हो रहा है भाई, फैलते ही जा रहा है, फैलते जा रहा है, वाह रिलैक्स। और फुफड़ जी तैयार है। दसो की करना हुणे, हुणे चखना चुखना लियाओ, चखना गाने नाल पीना, हुण मेन सोदा पत्ता च खत्म भाई, तेथो कोल्ड ड्रिंक तां पी नहीं जांदी, चखने दी गल करी जांदा यार। आ वेख मुंडिया की है इहदा जूस पीता है तुसीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं चलदी चखने दे नाल, चखने दे नाल समान चलदा है, थोनू पता किहड़ा समान चलदा है। मैं अखबार पढ़ा पहले, मैं देखा भाई GDP गिर रही है, मैं मंगा ली दो पेटी। GDP पर घुट गया, GDP ऐसे जाती दो पेटियां तो GDP ऐसे होगी। दोबारा सुन कर लो यार, अच्छा यार एक तो चिप्स गायब हो जा रहे हैं यार, तभी मैं क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं करता। If I can speak English, I can talk English, walk English. That's because I'm practicing this for a long time, and that's why I can speak it so fluently. समझ रहे हो, जैसे ये जो मैंने बोला ना, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला, लेकिन अगर ऐसा बोलना चाहते हो तो प्रैक्टिस मांगती है ये चीज़, ऐसे नहीं हो पाएगा। ये तो रखेंगे पक्का, मैं तो देखो अभी तो फुटेज खाऊंगा मैं बढ़िया, ऐसे नहीं कि मेरे शॉर्ट्स एडिट हो जाए, मैं नहीं जाता गलत चीज़ बोलनी। क्यों वेज ग्रिल सैंडविच इनसाइड कैफे, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। जूस खत्म नहीं हो रहा है, 1.5 साल हो गए बताओ, इतना सा जूस था उसके अंदर, मैंने 2 बार कोल्ड ड्रिंक ना पेट दी, मुंह में भरता हूं ओपन कर देता हूं। सीधे नेक्स्ट गेम खेलने वालों को पैसे ही पैसे, वो गेम में खेली जा रहे हैं, यहां हम यहां हमारे साथ लोग गेम खेली जा रहे हैं, हम ट्यूटोरियल बना रहे हैं तुम्हारे लिए, वो गेम तुम्हारे लिए खेल रहे हैं, वो अपने लिए गेम खेल रहे हैं, अपने लिए गेम खेल रहे हैं, तो मुझे पैसे दे रहे हैं, क्या कर रहे हो यार। कैन यू गेट योर फेस स्केच फ्रॉम एन आर्टिस्ट ऑन कॉल विदाउट यू सीइंग योर पिक्चर्स और मिरर, मतलब बोल रहा है कि हम क्या अपना चेहरा किसी को सिर्फ फ़ोन पर समझा के स्केचिंग करवा सकते हैं, CID चल रहा है, CID चल रहा है भाई, कौन पूछ रहा है।
इलस शरण पूछ रहा है, बताइए। देखो भाई, ऐसे ये सब स्केचिंग वगैरह से सही है, मुझे नहीं पता कि हो सकता, मैंने कभी स्केचिंग करी नहीं ऐसी कि किसी का फ़ोन पे लो, हाँ भाई तेरा नाक कैसा, हाँ ठीक है अच्छा, तेरा नाक बढ़िया है, बढ़िया कैसे कैसे स्केच करूँ यार, हेलो हाँ तेरी आँखें कैसी हैं, झील जैसी, लहरें बना दूँ, तो देखो समझ नहीं आया ना कैसे बनाओगे, मतलब यार समझ रहे हो, तो वो मेरे को मुझे नहीं पता, शायद क्या पता पता चल जाए, आपका नंबर बता दूँ, आदमी अपनी किस्मत का खुद मालिक है, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, मेहनत करोगे तो बनोगे नवाब, नहीं करोगे तो पियोगे तो खाओगे कबाब।